नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर उत्तराखंड की आवाज में। देवभूमि उत्तराखंड और धर्म नगरी हरिद्वार में धर्म संकट है, क्योंकि वहां पर बूचड़ खाने को लेकर बवाल शुरू हो गया है। जी हां, वही धर्म नगरी हरिद्वार जो देश और विदेश के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। धर्म नगरी हरिद्वार जहां देश के कई बड़े साधु संत रहते हैं, वही धर्म नगरी हरिद्वार जहां हिंदू धर्म में सबसे पावन माने जाने वाली गंगा बहती है, जिसको हम मां गंगा कहते हैं। लेकिन अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि उसी धर्म नगरी हरिद्वार में बूचड़ खाने को लेकर अब बवाल मच गया है। इसको लेकर उत्तराखंड के साधु संत सामने आ गए हैं। दरअसल खबर यह है कि सरकार ने मंगलौर में बूचड़ खाना खोले जाने को लेकर इजाजत दी और उसके बाद हरिद्वार जिले के मंगलौर में बूचड़ खाने बनाने के लिए 10 करोड़ भी दिए गए। बूचड़ खाना इन पैसों से आधा बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसके बाद अब धर्म नगरी हरिद्वार के पास बनने वाले इस बूचड़ खाने को लेकर संत समाज अब सामने आ गए। संतों ने विरोध शुरू किया और इसके अलावा खबर तो यह भी है कि बीजेपी के अपने ही 5 विधायक हरिद्वार के मंगलौर में बनने वाले इस बूचड़ खाने के विरोध में उतर आए हैं। खबरों की माने तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता, यतीश्वर आनंद कुंवर प्रडोस चैंपियनशिप, इसके अलावा आदेश चौहान और प्रदीप बत्रा इस बूचड़ खाने को बनाए जाने के विरोध में हैं और उसके साथ ही इस मामले को लेकर सरकार से नाराज हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रदीप बत्रा को छोड़कर बाकी जितने विधायक हैं वो रमेश पोखरियाल, निशंक करीबी, यानी कि अगर इन जानकारियों पर गौर करें तो बीजेपी के अंदर भी एक अलग ही सियासी उठापटक देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बूचड़ खाने बनाने को लेकर बीजेपी के अंदर कलह है या फिर सिर्फ राजनीति हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, धर्मनगरी में बूचड़ खाना। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्मनगरी में यह धर्म संकट देखने को मिल रहा है उसके बाद अब कई सवाल जो हैं वो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे कि धर्मनगरी हरिद्वार में जो ये बूचड़ खाना बनाया जा रहा है, अब इस पर सियासत किस ओर जाती है। तो वो 5 अलग अलग विधायक, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में बूचड़ खाना बनाए जाने के मामले पर बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूं इस विरोधाभास को तो सरकार को दूर करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को दूर करना चाहिए। उनके निर्णयों की उनकी पार्टी में छीजालेदर होती है, उनकी पार्टी के जो नेता हैं एनक्रोचमेंट ड्राइव में विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए, स्लाटर हाउस के मामले में उनके विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो सरकार के अंदर विरोधाभास है, सरकारी पार्टी में विरोधाभास है, उनके लोग उनके निर्णयों को मानने को तैयार नहीं है, उनके निर्णयों का विरोध करते हैं। तो ये मसला सरकार को और पार्टी को उनको देखना है कि कैसे आपस में मतभेद दूर करके जो जनहित के कार्य हैं, वो कोई भी जनहित का कार्य हो, उस पर अगर कोई सरकार निर्णय लेती है और उनके अंदर से कोई विरोध होता है तो इस पर तो मुख्यमंत्री को तय करना है। तो सूर्यकांत धस्माना साहब को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं लेकिन उनके विधायक उनका विरोध कर रहे हैं। चर्चा शुरुआत करते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं इस धर्म संकट पर चर्चा के लिए। सुभाष साहब हमारे साथ हैं जो बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा अभिनव थापर जी हैं, आप कांग्रेस की तरफ से हैं, इसके अलावा विजेंद्र रावत साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन शुरुआत जो है वो सुभाष जी मैं आपसे करूंगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, हरिद्वार को धर्मनगरी कहा जाता है, पहले शराब आपके द्वार और उसके बाद अब बूचड़ खाना, विरोध आपके अंदर से भी शुरू हुआ है लेकिन अंदर खाने को लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे, साधु संतों की पार्टी कहे जाने वाली पार्टी जब धर्मनगरी में बूचड़ खाने को लेकर 10 करोड़ देती है तो क्या सोचा जाए? देखिए शुभांकर जी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप देखिए इस देश के अंदर जिस प्रकार से अवैध रूप से पशुओं का वध होता था, जिस प्रकार निर्धारित संख्या से अधिक जो है जो पुराने स्लाटर हाउस थे वहाँ पर जो है पशुओं को मारने का काम होता था, उसको नियंत्रित करने के लिए और उससे पर्यावरणीय जो है क्षति देश को ना हो, जिलों को ना हो, गाँवों को ना हो, इसके लिए जो है NGT और सुप्रीम कोर्ट ने एक नीति बनाई कि जो है देश के अंदर हर जिले में जो है सरकारी स्लाटर हाउस जो की श्रृंखलाओं को जो है मजबूत किया जाए।
और एक तय नीति जो है कि तहत ही जो है पशुओं को वध करने की अनुमति प्रदान की जाए, उसी की कड़ी में हरिद्वार के अंदर भी जो है एक प्रस्ताव आया जिसे जो है सैद्धांतिक रूप से पिछली सरकार के समय जो है वो स्वीकृति दी गई। वित्तीय रूप से मैं स्वाभाविक रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि वित्तीय रूप से हमारी सरकार के समय उस पर स्वीकृति हुई, लेकिन चूंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एनजीटी के निर्देशों के अनुसार ये योजना देश में काम कर रही है, स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया के तहत जो इस पर अनुमति दी गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विधायकों ने उस पर आपत्ति की है, संत समाज ने आपत्ति की है, और हरिद्वार का देखिए जो कुंभी क्षेत्र है या ऋषिकेश का जो हमारा मेला क्षेत्र है उस पर जो है पहले से ही शराब और मांस मदिरा पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। जो भावनाएं वहां पर हमारे साधु संतों ने और हमारे विधायकों ने प्रकट की है, हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो सवाल भी सुनने वाले हैं, और देखिए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर क्या निर्णय करते हैं, हमारा के साथ ये है कि सवाल भी आप सुन लीजिए सर, ठीक है, छोटी छोटी बातें रखिए, इस बात की क्या गारंटी है, छोटी छोटी बातें रखिए, सवाल सुनिए उसके बाद छोटी छोटी बातें रखिए। सवाल ये है कि अभी तो जनभावनाओं की बात ही नहीं आई सर, अभी तो जनभावनाओं की बात ही नहीं आई। जिन साधु संतों की अपने आपको पार्टी कहते हैं वो साधु संत मुखर हुए हैं, आपके अपने विधायक मुखर हुए हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे क्योंकि सूत्र तो ये भी बताते हैं कि वो निशंक साहब की तरफ है, वो एक अलग राजनीति है, लेकिन सवाल यही है में धर्मनगरी में जहां पर देश दुनिया से लोग आते हैं, आप गंगा को मां कहते हैं, अरे आपको हरिद्वार का सवाल नहीं है शुभंकर जी, जी ये पूरे देश के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम हो रहा है, केवल हरिद्वार के अंदर थोड़े ही हो रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो धर्म नगरी है, वहां पर लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां पर साधु समाज को जो है उस पर आपत्ति है, विधायकों को आपत्ति है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मलिन बस्तियों को लेकर भी साहब हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आया था, प्रयास करेंगे, मलिन बस्तियों को लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आया था, लोगों को छत पहुंचानी थी आपने बदल दिया, यहां भी जनभावनाओं की बात है ना, तो ठीक है ना, अरे कल्याणकारी सरकारें तो जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, हम जो है केवल हाईकोर्ट, ठीक है हाईकोर्ट अपनी जगह है, उनका जो है वो सुप्रीम है, उनका जो है कुछ भी निर्देश जो है वो मानने के लिए सरकारें बाध्य हैं, लेकिन जनता के प्रति हमारी जवाबदेही उसको राहत देना कल्याणकारी सरकार का काम है, लॉलीपॉप, और इसलिए जो है हमने जो है 20,000 लोगों को 2,00,000 लोगों को जो इन बच्चों में रहते हैं लाभान्वित करने के लिए, ठीक है सर आपकी बात समझ गए, जो संदेश आप देना चाहते हैं कोर्ट के ऊपर डालकर वो समझ गए हम। अभिनव थापर साहब हम आपके पास आएंगे, इससे पहले शराब आपके द्वार हमने देखा था जहां पर घर घर जाकर शराब पहुंची गई, उस वक्त भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे, हालांकि उसको आबकारी नीति को लेकर तमाम चीजों को लेकर उस दौरान फैसले डाले गए, बाद में फैसला वापस लिया गया। अब एक नया मामला सामने आया है, अपने विधायक मुखर हुए हैं, जनभावनाओं की बात अभी सामने नहीं आई है, अभी साधु संत और अपने विधायक आए, कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नाते उस धर्मनगरी में जहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं गंगा में स्नान के लिए, भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए, और जिससे पूरा रेवेन्यू निकलता है आपका? सर सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी सो कॉल्ड हिंदू पार्टी, हिंदू इस देश में, भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जिंदगी में एक बार जिंदा रहते हुए या मरने के बाद, या जीते जी या मरने के बाद लोटे के अंदर गंगा जी में आएगा जी। और सबसे बड़ी जगह इस विश्व में अगर गंगा से रिलेटेड है तो हरिद्वार है, बनारस है, ये सब स्पॉट है, जैसे हरिद्वार नगरी का अपना बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान है, गंगा यहाँ से प्लेन्स में जाती है और सौभाग्य से हमारे उत्तराखंड में है। तो ऐसा क्या इनको आफत आई कि इन्होंने सबसे पहले ये हिंदू विरोधी काम अपने डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जी। अगर आपने कर दिया, करने के बाद आपके अपने MLAs, आपके अपने जो है साधु, जो साधु और ये नेताओं की पार्टी ये मानी जाती है, एक बार आपने 2009 में एक साधु को भी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया था हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बिकॉज कि वो साधु प्रोन एरिया है, वहां बहुत सारे आश्रम है साधु, उनके विरोध के बावजूद आप ये कर रहे हैं स्लॉटर हाउस। देखिए बीजेपी इज अ पार्टी विद डिफरेंस, दे से इट, दे कॉल इट पार्टी विद डिफरेंस, नॉट इन देयर डीड्स, इन देयर थिंकिंग, इन देयर थिंकिंग एंड डूइंग, वो जो बोलते हैं जो करते हैं उसमें ह्यूज डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि आप बोलते हैं हिंदू पार्टी, आप बनाते हैं स्लॉटर हाउस हरिद्वार में, 13 जिले हैं उत्तराखंड में, क्या पिथौरागढ़ में बना दो, टीरी में बना दो, कौन बना देगा आपको, 13 के 13 जनपदों में, सबसे पहले आप हरिद्वार में बनाओ जी, सबसे पहले आप बोल रहे थे मैंने आपको टोका नहीं, जी जी लॉलीपॉप वाली बात भी मैंने सुनी, आपको काफी वक्त दिया गया है भरतवाल जी, आप सुनिए, आपको काफी वक्त दिया गया था अभिनव जी, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। अब स्लॉटर हाउस क्या है आप समझिए,
कोई भी जानवर, मुर्गा हो, बकरा हो, कोई भी जानवर हो जी, इवन भैंसा हो, बीफ हो, उसको काटने की अनुमति देता है जी, एक्सेप्ट गायें, बिकॉज गायें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन बैन लगा दी करती है। गाय हमारी माता है, या आप धर्म से जोड़े या जिससे भी जोड़े जी, काउ इज नॉट अलाउड। इस स्लॉटर हाउस में भैंसा कटेगा हरिद्वार जिले के अंदर, ठीक है, ये स्लॉटर हाउस आपके धर्म नगरी के क्षेत्र में है, आप इस देश में हिंदू की पार्टी हैं, कल आपका कैबिनेट होता है, आप धर्म अंतरण एक वहां पे विधेयक लेके आते हैं, रेगुलराइज करते हैं कि हिंदू धर्म कहीं हो ना जाए। मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं, आपकी बात का भी हम पहले तो ये जी, आपकी जी, नहीं नहीं डिस्क्रिपेंसी जी, आपके अपने एमएलएस के, आपकी अपनी गवर्नमेंट के साथ ठीक है सर, हम आते हैं चर्चा को और भी लोगों को शामिल करते हैं, आपके पास लौटता हूं थापर जी मैं। विजेंद्र रावत साहब भी हमारे साथ हैं, और रावत साहब आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा, एक ऐसी पार्टी जो हिंदू को धर्म के अलावा ऊपर मानती है कि देश में हिंदू धर्म नहीं दरअसल आस्था है, अगर यही काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ होता जहां पर हरिद्वार में स्लॉटर हाउस खुला था, क्या यही बयान आप देखते हो उससे संतुष्ट होते जो बीजेपी आज कह रही है, या फिर वाकई में कथनी करनी में अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, सरकार के अंदर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साधु संत भी कर रहे हैं, और आवाम को भी इससे एक तरीके से अटैचमेंट है हरिद्वार से। देखिए सिर्फ हरिद्वार से नहीं, उत्तराखंड हिमालय राज्यों में एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो आस्था के लिए आते हैं जी, चाहे बद्रीनाथ हो, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने भी होंगे, मुझे लगता है हिमालय राज्यों में सबसे ज्यादा आस्था वाले यहाँ आते हैं। और ऐसी स्थिति में एक तो पहले इन्होंने किया कि जहां शराब आपने पहुंचा दी बद्रीनाथ केदारनाथ, आपके जो मोबाइल वैन है वो गई जी जी जी, मुझे लगता है कि सरकार को ये जरूर देखना चाहिए कि धर्म नगरी है और बेसिक इसका रिलीजियस है जी। और यहां आप स्लॉटर हाउस खोलेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, जैसे अपने बर्थवाल जी कह रहे हैं हम नहीं खोल रहे, एनजीटी और उसका, हम नहीं खोल रहे, एनजीटी और उसका आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का है, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी अगर कहेगा कि आप हर जिले में खोलो, आप बद्रीनाथ केदारा में खोलो, नहीं हो सकता, ये स्टेट का भी अपने प्रोगेटिव है, वो कह सकता है कि हम धर्म नगरी हम नहीं खोलेंगे साहब, जहां आप अध्यादेश लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए, मुखर होना होता वहां पर आप हो जाते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि जन भावनाओं की बात yes, है exactly. एक बार साधु संतों का बयान सुनवाते बिल्कुल जी जी, एक बार साधु संतों का बयान सुनवाते yes. उसके बाद सवाल पूछेंगे, क्योंकि जहां पर आपका मन होता है ऐसे नहीं हो सकता सर जी, एक बार बयान सुनवाते साधु संतों का, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मतलब यांत्रिक कत्लखाना, सरकार को इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसमें निरीह जीवों की हत्या की जाएगी, एक प्रकार से हत्या करने का यह लाइसेंस है, चाहे ये पूर्ववर्ती सरकार ने दिया या वर्तमान में उसका काम प्रारंभ हुआ हो, दोनों ही निंदनीय हैं, सरकार को उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। संत समाज इसमें और संभावित जो भी गतिविधि होगी उसको अंजाम देगा, उसके लिए चाहे कर्मिक अनशन हो चाहे आंदोलन हो। तो ये बड़ी बात आपने सुनी जिसमें साफ तौर पर कहा गया चाहे पूर्ववर्ती सरकार का आदेश हो चाहे मौजूदा सरकार का। सुभाष जी आपके पास फिर वापस लौटेंगे, सोच समझ के इस फैसले पर आप आगे बढ़ रहे हैं, सरकार स्टैंड ले रही है, या फिर ये मान रहे कि फैसला आ गया इसलिए आप डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के भी अंदर खाने से आवाज आई है, यही साधु संत है जिनको हरिद्वार में कई दफा मीटिंग करके आपने मनाया है, बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं सर आप। नहीं शुभंकर जी देखिए, न तो हम डिफेंड कर रहे हैं और न ही जो है हम ऑफेंसिव हैं। देखिए हमारा कहना यह है कि अगर जो है स्लॉटर हाउस को की कार्यप्रणाली को या कभी आपको देखने का मौका मिला होगा जी, आप बताइए अगर हम जो है स्लॉटर हाउस की जो अवधारणा है उसको उत्तराखंड से बाहर भी कर देते हैं जी, तो क्या लोग जो है गलियों में बकरा काटना छोड़ देंगे, लोग जो है घरों के अंदर खेतों में जो है भैंस काटना छोड़ देंगे, ये जो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है साहब, ये जो अवधारणा स्लॉटर हाउस की है ये इसीलिए लाई गई है कि लोग जो है खुले में जो है पशुओं का वध न करें, लोग मां गंगा के द्वार पे कटवाओ बकरे, जो चील है वो जो है वहां न बन रहा है, यहां भंडारी बाग का एक मां गंगा के द्वार भाई जी साहब, तो भंडारी बाग में रेंटे खड़े करने वाली होती थी, हरी का द्वार मैंने सुभाष जी सुनिए मेरी बात, वाला नहीं ले जा गोरखपुर में पिछले कई सालों से स्लॉटर हाउस चल रहा था, बीजेपी की सरकार आई स्लॉटर हाउस बंद करवा दिया, ये कहा कि देखिए यहाँ पर लोग आते हैं आस्था का केंद्र है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने बंद करवा दिया और ये कहा हम पूरे हिंदुस्तान से बाकी जगह शिफ्ट किया जाएगा, आस्था का केंद्र जहाँ पर है उससे खिलवाड़ नहीं करेंगे।
ये फिर खान पान के सवाल की बात कर रहे हैं सर, आप समझ रहे हैं ना, बहस फिर वहां चली जाएगी शुभांकर जी कि ये जो है लोगों के खान पान पर जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, मांस खाने से रोक रहे हैं, बकरा खाने से रोक रहे हैं, इसलिए जो है इस पर दोनों तरह से सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब बकरे कटने बंद हो जाएंगे, मुर्गे कटने बंद हो जाएंगे, फिर वो खुले में कटेंगे। अभी तो व्यवस्था ये की है सुभाष जी साहब, एक बड़ा हाउस हो जिसके अंदर जो है व्यापारी अपना जो है पशुओं को ले जाकर और एक वैज्ञानिक तरीके से जो है उसको करने का काम हो। अगर नहीं होगा तो लोग अपने जो है गलियों में काटेंगे। तो क्या जो आपके पांच विधायक बिल्डिंग में है सुभाष जी, ये बड़ा सवाल ठीक है, ठीक है, सवाल सुनिए सर से भी सोचना। तो क्या जो आपके ये पांच विधायक हैं जो मुखर हो रहे हैं सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है, ये गलती कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, इनको आप डांट दीजिए फिर कि क्यों विरोध कर रहे हो? सही सरकार ने फैसला लिया है, सही दिशा में है जी। वो नहीं नहीं, वो बिल्कुल वो जनता के प्रति जवाबदेह है, वो उस धर्मनगरी के प्रति जवाबदेह है, इसलिए उन्होंने उस बात को रखा है। मैं यही तो कह रहा हूं, एक कहावत कहते हैं, देखिए दोनों तरफ नहीं हो पाएगा, लाखों की संख्या में जो है देहरादून और हरिद्वार के अंदर पशुओं को काटने का काम होता है, आखिर कोई तो खाता है उनको साथ, कोई भाजपा वाले ही थोड़ा उसको उनको जो है खाने का काम कर रहे हैं सुभाष जी, इसलिए इस पर अनेक अनेक तरीकों से सोचना पड़ेगा किसी कंक्लूजन जी। हमारे शो का नाम है उत्तराखंड की आवाज, उत्तराखंड की आवाम, क्योंकि आप बीजेपी को यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, बड़ा सीधा सवाल पूछ रही है, वो पांच विधायक सही हैं जो जनता की आवाज लेकर कह रहे हैं, जनभावनाओं की बात कर रहे हैं, या जो ये फैसला आप है किस तरफ आप है, क्योंकि दोनों तरफ आप नहीं हो सकते। नहीं, उनकी उनकी बात में दम है, क्योंकि हरिद्वार जो है धार्मिक नगरी है, वहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का फैसला इस संदर्भ में हुआ है कि हरिद्वार में जो है इस व्यवस्था को तटस्थ किया जाए, इस व्यवस्था को निरस्त किया जाए, इस व्यवस्था को जो है वो अलग रखा जाए। तो जो दृष्टिकोण है वो हमारा जो है विधायकों के साथ जो है, तो ये चीज जो सोच रहे हैं, ये चीज जो हम समझना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये बात मानिए ना कि ये फैसला जो है ये सोचने वाला है, इसमें बदलाव हो सकता है, आप इस बात को लेकर कहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम जनभावनाओं का क्या नाम है, वहां पर स्लॉटर हाउस बनते हैं, टेक्निकल चीजें, आप कहिए इस फैसले को लेकर हम विचार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पांच विधायकों की बात सही है, इसके पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, इसके पीछे माननीय एनजीटी के निर्देश हैं। एक मिनट दीजिए, और यदि आपको बताता हूँ ये क्यों बन रहा है, कहीं पर हम स्लॉटर हाउस को ठीक है उसको करेंगे धर्मनगरी के जो है आधार पर उसको, लेकिन उसके बाद यह भी देखना पड़ेगा कि जो हजारों की संख्या थापर साहब खुले में जो है वो पशु वध का काम होगा उस पर भी नियंत्रण के अभिनव थापर साहब, ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है, फैसले को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, उसका विरोध भी किया जा रहा है, क्यों? पार्टी विद अ डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं जी, इनकी थिंकिंग और इनके एक्शन में देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज डिफरेंस, ये हमेशा अलग अलग उस ट्रैक पे चलते हैं जी। अब स्लॉटर हाउस क्यों बने, क्या बने, किसके फायदे के लिए बने, इसमें बहुत बेसिक पॉइंट है, इन्होंने कहा व्यापारियों के लिए। आपको पता है संगीत सोम जी जो माननीय आपके विधायक रहे और जिनका मुजफ्फरनगर कांड में नाम भी आया काफी उछला, आपके पार्टी के बहुत बड़े इस समय स्टार प्रचारक रहे यूपी के चुनाव में, सब कुछ रहे, आप इस चीज को जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया लाइन से हैं, तो जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है इस इंडिया की, उसमें संगीत सोम जी की वाइफ पार्टनर है ऑन रिकॉर्ड, जो सबसे बड़ी कंपनी है मेरठ सरदना से उनका ये नहीं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक को लेकर कहीं नजर नहीं आया, हम उत्तराखंड को लेके वो एक अलग विषय हो जाएगा चर्चा का, तो हम उत्तराखंड में आ रहे हैं जो इस फैसले को लेकर दोहरा स्टैंड है दिमाग में, हरिद्वार गंगा इनके दिमाग में, हरिद्वार गंगा से लेना देना कोई नहीं है, इनका सबसे पहला इंटरेस्ट है बिजनेस इंटरेस्ट, दूसरा आप इनसे इनकी गवर्नमेंट संभल नहीं रही है, 58 विधायक हैं, इनके मंतव्य हर विधायक के क्या है इनको कुछ नहीं पता, चीफ मिनिस्टर एक डिसीजन लेते हैं, चीफ मिनिस्टर कहां संभली अपनी गवर्नमेंट पिछली बार, चीफ मिनिस्टर एक डिसीजन लेते हैं, 10 लोग भाग गए, तो सर हम भारतीय जनता पार्टी में है ना, हम विपक्ष में है, सरकार दुनियाल जी कहते रहे कि जो है मुझे ये आपत्ति है, हरीश रावत जी सुनते नहीं थे, अब सुबोध दुनियाल जी आपके साथ है ना, बहुत अच्छे सोने की आपत्ति है, ये बीजेपी का एक मंतव्य था, आपने विधानमंडल चलने नहीं दिया, जब से आया बहुगुना भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना, आप तो अपनी वही बहुगुना आज आपकी आप दोनों को बहुना भ्रष्टाचार माहौल बना रखिए, हम आते हैं आपके पास विजेंद्र रावत साहब, हम हार गए, आप पत्रकार हैं, आपकी बात मान ली, एक सेकंड सर, पब्लिक ने हमें बाहर कर दिया, विजेंद्र रावत साहब बट एक सेकंड सर, विजेंद्र रावत साहब ये कहा जाता है कि देखिए बीच का मरहला नहीं होता है राजनीति में, या तो होता है या नहीं होता है,
ये दोनों स्टैंड जो लिया जा रहा है इस पर टिप्पणी चाहता हूँ। मुझे लगता है सुभांग जी की इसमें बीजेपी अपने ट्रैप में फंस गई है जी। एक स्लॉटर हाउस भी जरूरी है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जानवर तो कटते ही हैं, हर तौर पर। अपने में एक तर्क है जो एनजीटी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जी। लेकिन जब आप वहाँ स्लॉटर हाउस का बोर्ड लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जो हिंदू और धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी है, तो आप ऐसे बदनाम हो जाएंगे। और उनकी भी मजबूरी है कि आपने हरिद्वार जैसे एरिया में स्लॉटर हाउस खोल दिए हैं, जबकि अब देखा जाए कि, और अगर आप एक लेमैन की तरह देखें, तो स्लॉटर हाउस जरूरी इसलिए है कि इन्वायरमेंटल, देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इन्वायरमेंट खराब ना हो, आप जगह जगह काटते हैं, आप गंदगी होते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में फंस गए हैं जो 5 विधायक खुल के सामने आए हैं, उनकी भी मजबूरी है, इधर जो गुटबाजी है वो भी सामने आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको सरकारी ठप्पा स्लॉटर हाउस के बजाय इसको मॉनिटरिंग करते हैं। रावत साहब, एक छोटा सवाल और आपसे, इंडिविजुअल लेवल पे जो होते हैं वो ठीक रावत साहब, निगम को एक छोटा सवाल और आपसे है, निगम को प्रेशराइज करते हैं कि आप इनको ठीक से कीजिए। रावत साहब कहता है इनके पास यही चारा है और स्लॉटर हाउस अगर खुल गया तो इनके पास बड़ी दिक्कतें होने वाली। रावत साहब एक सवाल और आपसे है, क्योंकि इस खबर में गवर्नमेंट एक एंगल और आ रहा था, गवर्नमेंट जो भी रही है, विधायक है 5 में से 4 विधायक जो है ये निशंक साहब के खेमे के हैं, तो क्या मौका मिला तो उधर भी दांव लगा दिया गया दबाव को लेकर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट वाले से। बिल्कुल ऑफकोर्स, ये तो चल रहा है। देखिए कोई भी इशू होता है, कोई भी इशू होता है पॉलिटिक्स में वो उठाया जाता नहीं है। कोई नेता जो है किसी का चेला नहीं है, जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और या फिर वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर है। ठीक है सर, यहाँ जो है कोई गुटबाजी नहीं होती, कोई किसी का आका नहीं होता, पार्टी होती है। उत्तराखंड की आवाज को उठाना, हमने उस मुद्दे को उठाया। अब बेहतर यह है, जनता ने आपको सीटें दी थी, उनको कमजोर किया था, जनता तय करे क्या सही है क्या गलत है, गुटबाजी है कि नहीं है, वो तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन हमारी तरफ से स्टैंड फिर वही है कि बीच का मरहला नहीं होता है, या तो होता है राजनीति में या नहीं होता है, तय आपको करना है आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि ये स्टैंड ही आपकी दिशा को तय करेगा। उत्तराखंड की आवाम बस इतना कहेगी कि देवभूमि है सर, धर्मनगरी है, थोड़ा सा भावनाओं ख्याल रखिए, समाज के लिए सोचिए, एनवायरनमेंट के लिए सोचिए, लेकिन थोड़ी भावना का ख्याल रखिए, क्योंकि शायद इसी के आधार पर आपने वोट मांगा था और उससे जनभावनाओं का एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। उम्मीद के साथ इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।